अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे और शादाबाद रखे। अच्छा, हमारी आज की जो वीडियो है वो इंस्ट्रक्शंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक है, यानी सर्विस बुक किस तरह से मेंटेन की जाए, ये उसकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में है। ये जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको भी बताने वाली हूँ मेंटेनेंस के बारे में, सर्विस बुक की मेंटेनेंस के बारे में, ये एक्चुअली मैंने ATPR की वेबसाइट से ली है। ATPR की वेबसाइट पर आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस और ये सारे इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अदरवाइज मैं ये जो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है? तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप काइंडली पहले ये इंस्ट्रक्शन सारी डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें कि किस किस तरह से मतलब इसको सर्विस बुक को मेंटेन करना है, ठीक है? आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Instructions for maintenance of service book based on para 118 to 112 of the general financial rules read with fundamental and supplementary rules 197 to 205 and articles 188 and 189 of the audit code, ठीक है? यानी ये जो instructions है ये इन सब rules पे based करती है, ठीक है? जनरल फाइनेंशियल रूल्स पे, फंडामेंटरी एंड सप्लीमेंट्री रूल्स पर और ऑडिट कोड का जो आर्टिकल 188 एंड 189 है। सबसे पहले है आप इसमें देख रहे हैं पार्ट वन, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इन्होंने सर्विस बुक के फोर पार्ट्स के बारे में दी हैं, ठीक है? जैसे जैसे पार्ट का जिक्र आएगा वैसे वैसे मैं इंशाल्लाह आपको सर्विस बुक का वो पार्ट दिखाऊंगी साथ साथ, और फिर हम उसके बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे। इसका नंबर वन है, अ सर्विस बुक मस्ट बी ओपन फॉर एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस एज टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज और हर सर्विस करियर, ठीक है? मस्ट बी ओपन, एक तो ये लाजमी तौर पर ओपन होनी चाहिए, ठीक है? इसके बगैर जो है वो कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा सकता। और ऑन हिज कब ओपन होनी चाहिए? ऑन हिज फर्स्ट एंट्री, जो ये वर्ड है फर्स्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसकी जो पहली एंट्री है गवर्नमेंट सर्विस में उस वक्त सर्विस बुक ओपन हो जानी चाहिए। क्यों ओपन की जानी चाहिए? एज टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड, एक तो कंप्लीट रिकॉर्ड होगा उसकी सर्विस का इसमें और एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होगा, यानी हर बात ठीक ठीक लिखी जाएगी, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। ऑफ हिज और हर सर्विस करियर, और जो भी उसका सर्विस करियर है वो उसका कंप्लीट एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए, ठीक है? ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, मतलब जेन्युइन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं होती। नंबर टू है, द सर्विस बुक शुड बी मेंटेन्ड एंड डुप्लीकेट एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द हेड ऑफ द अकाउंट, किसकी कस्टडी में रहती है? हेड ऑफ द ऑफिस की कस्टडी में रहती है, ठीक है? हेड ऑफ द ऑफिस की कस्टडी में रहेगी सर्विस बुक, शुड बी मेंटेन एंड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इसकी मेंटेन करनी चाहिए है सर्विस बुक की लाजमी तौर पर, मतलब एक तो सर्विस बुक ओरिजिनल चल रही है, एक इसकी डुप्लीकेट भी मेंटेन होनी चाहिए, और वो किसके पास होनी चाहिए? इन द कस्टडी ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द ऑफिस की कस्टडी में होनी चाहिए। कस्टडी का मतलब होता है कि केयर में होनी चाहिए या उसके चार्ज में होनी चाहिए, ठीक है? इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्विंग एंड ट्रांसफर्ड विद हिम फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। अच्छा, मैं आपको इसका शुरू से बता देती हूँ, द सर्विस बुक शुड बी मेंटेन, यानी जो सर्विस बुक जो है वो डुप्लीकेट में मेंटेन होनी चाहिए, यानी दो सर्विस बुक आपकी एट अ टाइम मेंटेन होनी चाहिए, एक ओरिजिनल होगी और एक डुप्लीकेट होगी, और जो डुप्लीकेट होगी वो किसकी कस्टडी में होगी? वो हेड ऑफ द ऑफिस की कस्टडी में होगी, जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सर्व कर रहा है उस हेड ऑफ द ऑफिस की कस्टडी में होगी। और फिर क्या होगा कि जहां पर भी गवर्नमेंट सर्वेंट जाएगा सर्विस बुक उसके साथ साथ ट्रांसफर होगी, ठीक है? फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस ट्रांसफर होती है ये सर्विस बुक, ठीक?
फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, अगर आपको उसकी सर्विस में से किसी चीज का रेफरेंस चाहिए तो आप क्या करेंगे कि आप उसकी ओरिजिनल सर्विस बुक निकालेंगे, ओरिजिनल सर्विस बुक निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। रेफरेंस के लिए आप उसके डुप्लीकेट नहीं निकालेंगे, ओरिजिनल निकालेंगे। एंड द डुप्लीकेट कॉपी शुड बी केप्ट अप टू डेट इन रिजर्व, और जो डुप्लीकेट कॉपी है उसकी अप टू डेट रहनी चाहिए, इन रिजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपने उसको रिजर्व रखना है। रिजर्व का क्या मतलब होता है? रिजर्व का मतलब होता है रिटेन फॉर फ्यूचर यूज, यानी आपने उसको रिटेन करना है फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो रिजर्व में रखनी है। व्हेन इट मे बी एब्सोल्युटली नेसेसरी टू डू सो, सच एज फॉर मेकिंग एंट्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोज मेड इन द ओरिजिनल सर्विस बुक एंड इन द इवेंट ऑफ लॉस और मिसप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल सर्विस बुक। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि जब भी आपको निकालनी है तो आपको ओरिजिनल सर्विस बुक निकालनी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करना है। और डुप्लीकेट कॉपी को आपने क्या करना है? अप टू डेट रखना है और रिजर्व में रखना है। उसका आपने कब यूज करना है? उसी वक्त यूज करना है जब उसका यूज जो हो वो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। एंड सजेस्ट फॉर मेकिंग एंट्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोस, मतलब आपने एंट्रीज करनी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और इन द इवेंट ऑफ लॉस और मिसप्लेसमेंट, या फिर आप का अगर मतलब सर्विस बुक लॉस हो गई है या उसकी मिसप्लेसमेंट हो गई है तो भी आप उसका यूज कर सकते हैं, मतलब जो आपके पास डुप्लीकेट कॉपी है आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस दैट ऑल द एंट्रीज इन द सर्विस बुक आर promptly made and duly attested by the authorized attesting officer. अब हेड ऑफ द ऑफिस की क्या ड्यूटी होती है? हेड ऑफ द ऑफिस की ये ड्यूटी होती है कि जितनी भी एंट्रीज है सर्विस बुक में आर promptly made, promptly मतलब देर एंड देन, फौरन से आपने करना है, इसमें देर नहीं करनी है, एंड duly attested, उनको साइन करवाया जाएगा बाय द ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर, जो आपका ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर होगा। यूजुअली DDO साइन करते हैं, लेकिन ऑफिस में जो भी आपका ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर है, अगर आपके एडमिन के पास ये सर्विस बुक है तो वहां पर कोई ऑफिसर होगा जिसको ऑथराइज किया गया होगा, तो आपने उससे ये लाजमी तौर पर अटेस्ट करवानी है, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो टू सी दैट हिज सर्विस बुक इज बींग प्रॉपरली मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपने भी अपनी सर्विस बुक जो है वो देखनी है और उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। इज बींग प्रॉपरली मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, यानी आपकी सर्विस बुक क्या प्रॉपरली मेंटेन हो रही है अकॉर्डिंग विद द रूल्स, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, मतलब आपकी सर्विस बुक मेंटेन्ड है या नहीं है। The head of the office should afford every facility to the government servant to examine and satisfy about the correctness of the entries made in his service book. जो head of the office है ना, यहाँ पर head of the office की duty उन्होंने बताई है कि जो head of the office है उसको तमाम की तमाम जितनी भी उसके पास facilities है वो ब्रोकार लानी चाहिए और उनको काम में लाना चाहिए, satisfied होना चाहिए, उसको examine करना चाहिए, उसको जितनी भी एंट्रीज है उनको एग्जामिन करना चाहिए और सेटिस्फाई होना चाहिए अबाउट द करेक्टनेस, ठीक है। ये नहीं है कि वो डाउटफुल हो किसी चीज़ के बारे में और उस फिर भी उसको छोड़े रखे, उसको हेड ऑफ द ऑफिस को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होना चाहिए अबाउट द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज मेड इन सर्विस बुक, यानी जो भी आपकी एंट्रीज हुई हैं सर्विस बुक में आपको उसके बारे में सेटिस्फाई होना चाहिए। In token of his scrutiny and acceptance of the entries made in the service book, the government servant should sign his name in the column provided and his or her endorsed as evidence by the attesting officer. Scrutiny का मतलब होता है inspection और endorsed का मतलब होता है support. अच्छा जी, गवर्नमेंट सर्वेंट का उन्होंने कहा है कि आपको इसके बारे में मतलब केयरफुल रहना चाहिए कि आपकी एंट्रीज जो है वो ठीक हो रही है या नहीं, ठीक है। और फिर इन टोकन ऑफ हिज सिक्योरिटी, मतलब वो आप अगर आपने उसकी इंस्पेक्ट किया है सर्विस बुक को, अपनी सर्विस बुक को देखा वाला है और एक्सेप्ट किया है कि हाँ इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो करेक्टली मेड की गई हैं, तो आप क्या करोगे? टोकन दोगे। और टोकन किस तरह से दोगे?
अपना जो नाम है आपको वो आपको साइन करना है इन द कॉलम प्रोवाइडेड, ठीक है। जो आपको कॉलम प्रोवाइड किया गया है आप उसमें अपना जो नाम है वो साइन करोगे। एंड हिज और हर एंडोर्स्ड एज एविडेंस है एज एविडेंस बाय द रेजिस्टिंग ऑफिसर। और जो आपके सिग्नेचर है वो कौन एंडोर्स करेगा, उनको सपोर्ट कौन करेगा, अटेस्टिंग ऑफिसर, ठीक है। मतलब अपनी जो एंट्रीज है उनके आगे आप सिग्नेचर कर दोगे तो फिर जो उन सिग्नेचर्स को एंडोर्स करेगा आपका जो भी अटेस्टिंग ऑफिसर होगा वो, ठीक है। फिर है नंबर 4, नो अरेजर और ओवरराइटिंग। मतलब कोई भी अरेजर या ओवरराइटिंग यूज नहीं की जानी चाहिए सर्विस बुक में, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ओवरराइटिंग नहीं होगी और रेजर यूज नहीं किया जाएगा। ऑफ एन एंट्री वंस मेड इज अलाउड, मतलब जब कोई एंट्री एक दफा हो जाए तो कोई भी रेजर या ओवरराइटिंग अलाउड नहीं होती। इन केस ऑफ एनी एंट्री अकरिंग इनकरेक्टली इट शुड बी स्कोर्ड विद द रेड लाइन एंड नीट एंट्री मेड अंडरनीथ इन विच शुड बी ड्यूली अटेस्टेड फुल साइन एंड डेट, ठीक है। स्कोर्ड का मतलब होता है चौक अप और अंडरनीथ का मतलब होता है यानी राइट बिलो, डायरेक्टली बिलो, ठीक है, डायरेक्टली बिलो। अच्छा जी, अभी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी एंट्री जो है वो एक दफा अगर हो जाती है तो उसकी उसको रेज नहीं किया जा सकता, ठीक है, या उसको ओवरराइट नहीं किया जा सकता। और अगर कोई एंट्री आपसे गलती से गलत लिखा गया है और इनकरेक्ट लिखा गया है तो उसको आपने क्या करना है, उसको चौकअप कर देना है रेड लाइन से, रेड लाइन से आपने उसको काट देना है। एंड करेक्ट नीट एंट्री मेड अंडरनीथ इन विच शुड बी ड्यूली अंडरनीथ इट विच शुड बी ड्यूली टेस्टेड, जो कि और आप करेक्ट नीट एंट्री उसके बिल्कुल नीचे करोगे जो कि ड्यूली टेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल करके बताऊँ, अगर कि हमने ₹7,840 लिख दिया है और हमें ₹7,840 नहीं लिखना था, हमें ₹7,850 लिखना था, तो व्हाट वुड वी डू, वी वुड कट इट विद दिस लाइन और उसके बिल्कुल नीचे हम रेड लाइन से ही, रेड पेन से ही लिखेंगे ₹7,850, ठीक है। और इसको फिर यहाँ पर स्टैम्प भी होगी और साइन भी होंगे, जो भी आपकी अथॉरिटी है यहाँ पर उसकी स्टैम्प होगी और साइन होंगे विद डेट, ठीक है। डेट भी डलेगी, ठीक, मतलब स्टैम्प, साइन और डेट तीनों चीजें इसमें होंगी। तो इस तरह से आपने इसमें एंट्रीज जो है वो करेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास पार्ट टू। इसमें पार्ट टू जो है वो बायोडाटा से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ साइट पर ना सर्विस बुक का पेज खोला हुआ है, वही पेज जिस पर आप अपना बायोडाटा लिखते हो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बायोडाटा ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट द एंट्रीज रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ एंड डोमिसाइल शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करते हो। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ देखिए, आप इस जगह पर डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करते हैं और डोमिसाइल के भी आप, अगर डोमिसाइल की प्रोविजन हो तो डोमिसाइल भी बात सर्विस बुक में प्रोविजन होती है तो डोमिसाइल भी आप इसमें एंटर करते हैं। तो जितनी भी एंट्रीज हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स होनी चाहिए, ठीक है। ऑल एंट्रीज इन दिस पार्ट एक्सेप्टिंग फिंगरप्रिंट्स शुड बी रिन्यूड एंड रीअटेस्टेड एटलीस्ट आफ्टर एवरी 5 years। जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है, ये जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ पर, ये वो कह रहे हैं कि शुड बी रिन्यूड एंड अटेस्टेड। यहाँ पर आपके ये जो स्पेस दी गई है ना, इस जगह पर मतलब सरकारी मुलाजिम के दस्तखत जहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होते हैं। तो आपने हर 5 साल के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि हर 5 साल के बाद आपने इसको टेस्टिफाई करना होता है कि बिल्कुल ये मेरे ही पर्टिकुलर्स हैं,
और यहाँ पर आपने दस्तखत करने होते हैं अपने। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल एंट्रीज इन दिस पार्ट एक्सेप्टिंग फिंगरप्रिंट्स। जो फिंगरप्रिंट्स है वो आप बार 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 नहीं लगाओगे, वो आप एक ही दफा लगाओगे। ये वाले जो ये देखिए यहाँ पर ये जो फिंगरप्रिंट्स दिए हुए ना, ये फिंगरप्रिंट्स आप बार बार नहीं लगाओगे, ये आप एक ही दफा लगाओगे। लेकिन जो बाकी के एंट्रीज है उसको टेस्टिफाई करोगे, उसको बताओगे कि हाँ बिल्कुल ये एंट्रीज इसी तरह से है और दुरुस्त है। अच्छा जी, शुड बी रीन्यूड एंड रीअटेस्टेड एट लीस्ट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। उनको दोबारा से रिन्यू करना चाहिए और रीअटेस्ट करना चाहिए एट लीस्ट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर 5 साल के बाद उसको अटेस्ट होना चाहिए और उसको दोबारा से रिन्यू करना चाहिए। एंड द सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द टेस्टिंग ऑफिसर शुड बी डेटेड। और सिग्नेचर मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और अटेस्टिंग ऑफिसर, जो अटेस्टिंग ऑफिसर है ना वो भी अपने सिग्नेचर करेगा, ठीक है, और उसके जितने भी सिग्नेचर्स की और स्टैम्प्स की ये जगह होती है, ये वाली जगह, ठीक है, इस जगह पर अटेस्टिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर्स करेगा और स्टैम्प्स लगाएगा, और बाकी की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर हर 5 साल के बाद अपने सिग्नेचर्स करेगा और डेट डालेगा, ठीक है, और इस तरह से मतलब अटेस्टिंग ऑफिसर भी डेट डालेगा, स्टैम्प लगाएगा, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी डेट डालेगा और स्टैम्प लगाएगा, और इस तरह से सारे अपनी ये अटेस्ट आप करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ करेक्टर मस्ट नॉट अनलेस द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सो डायरेक्ट्स बी एंटर इन द सर्विस बुक। अच्छा, आपने सर्विस बुक में क्या नहीं देना होता, ये नहीं देना होता, पर्सनल सर्टिफिकेट नहीं आपने देना होता कैरेक्टर का, ठीक है, मतलब आपने इसमें सारे फैक्ट्स, एक्चुअली सर्विस बुक जो होती है वो फैक्ट बेस होती है, तो आपने जो पर्सनल सर्टिफिकेट्स है किसी के बारे में राय है जो आपकी, वो आप इसमें सर्विस बुक में नहीं लिखोगे। जो जो चीज़ आप इसमें लिखोगे सर्विस बुक में वो ऑल द फैक्ट्स, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स ही लिखते हो आप इसमें, और अपने अपनी राय आप इसमें नहीं देते हो, ठीक है, जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप लिखोगे, लेकिन जो फैक्ट्स नहीं है वो आप नहीं लिखोगे। जो पर्सनल सर्टिफिकेट है वो आपकी एक राय हो जाती है, वो फैक्ट्स जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्स हैं, तो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये नंबर 7 देख लीजिए, नंबर 7 पे है एवरी इवेंट इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन पार्ट 3 ऑफ द सर्विस बुक। एवरी इवेंट मतलब उसकी सर्विस बुक ज्वाइन करने से लेकर खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है या प्रमोशन होती है या पे रिवाइज होती है जो भी, या वो लीव लेता है या फिर उसका मतलब जो भी इवेंट उसके सर्विस में होता है, उसकी कहीं पर ट्रांसफर होती है, उसकी डीमोशन होती है, उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होती है, वो मतलब कंट्री से बाहर कहीं सर्व करता है, इन एवरी केस आपने क्या करना है, आपने ये जो पार्ट 3 है इसको इन्होंने पार्ट 3 कहा हुआ है, ठीक है, पार्ट 3 है ऑफ द सर्विस बुक, मतलब उसको आपने रिकॉर्ड करना है इस पार्ट 3 में, ठीक है, ये इन्होंने इस पोर्शन को, इस सर्विस बुक के इस पोर्शन को इन्होंने पार्ट 3 कहा हुआ है, ठीक है, ऑफ द सर्विस बुक एंड ईच एंट्री मस्ट बी साइंड डेटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एज वेल एज अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिसर और द ड्यूली ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज आप करेंगे, ठीक है, इस जगह पर इन कॉलम्स में जितनी भी एंट्रीज आप करेंगे, एक कॉलम हमेशा होता है सर्विस बुक में दस्तखत सरकारी मुलाजिम यानी सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपने सिग्नेचर करेगा, ठीक है, मतलब जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सब के सामने, मतलब ये सेकेंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है, ये फोर्थ एंट्री है, तो इन सब के सामने जो सरकारी मुलाजिम है वो अपने सिग्नेचर्स करेगा, ठीक है, और सिर्फ मतलब सरकारी मुलाजिम ही नहीं करेगा जो, अच्छा अब इसमें सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही नहीं करेगा, जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो भी अपने सिग्नेचर यहाँ पर करेगा, ठीक है, ताकि जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के जो भी सिग्नेचर्स हैं उनको एंडोर्स किया जा सके, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर 8 है एवरी पीरियड ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड एवरी अदर इंटरप्शन ऑफ सर्विस विच मस्ट बी प्रॉम्प्टली नोटेड फुल डिटेल्स ऑफ इट्स ड्यूरेशन इन पार्ट 3 ऑफ द सर्विस बुक एंड अटेस्टेड बाय द ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर।
सस्पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, तब भी, या फिर कोई भी इंटरप्शन हो सर्विस में तब भी, मतलब आपने ईओएल ले ली है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव ले ली है, या फिर आपकी कोई लीव विदाउट पे है, तब भी इंटरप्शन हो जाती है सर्विस में, तो आपकी कोई भी इंटरप्शन हो सर्विस में, वो सब की सब जो होगी वो प्रॉम्प्टली नोटेड होगी, यानी फौरन से उनको नोट किया जाएगा, और इसका जो फुल डिटेल ऑफ इट्स ड्यूरेशन और इसकी जितनी भी डिटेल है उसके ड्यूरेशन की, वो आप बिल्कुल इसमें नोट करेंगे इन पार्सी ऑफ द सर्विस बुक एंड अटेस्टेड बाय द ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर, और उसको फिर मतलब अटेस्ट भी करवाएंगे आप, ठीक है। मतलब ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला कॉलम हो गया, ये वाला हो गया, ये जितने भी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जितने भी कॉलम्स होते हैं, पहले पेज पे मोस्टली पे का रिकॉर्ड रखा जाता है, और सेकंड पेज पे जितने भी कॉलम्स होते हैं वो आपकी छुट्टियों का या फिर आपके अगर सस्पेंड हो गए हैं उसका रिकॉर्ड इसमें सारा रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये दस्तखत अफसर मिजाज लिखा हुआ है, मतलब आपके मतलब जो भी ऑफिसर होगा वो यहाँ पर भी साइन करेगा, और अगर आपके कहीं पर सस्पेंशन हुई है या टर्मिनेशन हुई है अपॉइंटमेंट की, तो भी यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 12 में मतलब सिग्नेचर करेगा, ऑफिसर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह मतलब इसमें सारे का सारा जो सेकंड पेज पर आपका सारे का सारा ये वाला रिकॉर्ड लिखा जाता है। अच्छा, नंबर 9 है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड इन रैंक टू अ लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट, अब लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट पे वो चला गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया रैंक में, द रीजन ऑफ रिडक्शन मस्ट बी ब्रीफली रिकॉर्डेड, जो रीजंस है रिडक्शन की वो आपने वहां पर जरूर रिकॉर्ड करनी है, मस्ट बी ब्रीफली रिकॉर्डेड अंडर द रेलेवेंट कॉलम इन पार्ट 3, मतलब उसके रेलेवेंट कॉलम में, जैसे आपको ये वाला कॉलम दिख रहा होगा, ये वाला कॉलम है, हाँ जी, हम इसमें ये लिखेंगे कि ये जो मुलाजिम है इसको मतलब इन ऑर्डर्स के तहत इसकी जो है रिड्यूस किया गया है इसका रैंक, और उसको लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट में भेजा गया है, और इस डेट को भेजा गया है, डेट आप यहाँ पर लिखेंगे और रीजंस आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके ऑफिसर जो है इसमें सिग्नेचर कर देंगे, तो आपका यहाँ सारे का सारा इसकी डिटेल आ जाएगी कि अगर उनको भेजा गया है, लोअर रैंक किया गया है, तो वो किस वजह से किया गया है और किस डेट से किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके ऑफिसर जो है वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक। फिर द सर्विस बुक शुड बी टेकन अप फॉर वेरिफिकेशन सून आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ शुड साइन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इन पार्ट 4 ऑफ द सर्विस बुक। अच्छा, पार्ट 4 सर्विस बुक में कभी होता है कभी नहीं होता है, ये जो पार्ट 4 है एक्चुअली पहले जो सर्विस रोल्स आते थे या पहले जो सर्विस बुक्स आती थी उसमें स्पेशली एक पेज दिया होता था जिसमें जो आपके ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर हैं वो आपकी सर्विस को अटेस्ट करते थे, मतलब तो स्पेसिफिक पेज का होना भी सर्विस बुक पे लाजमी है जिसमें आपकी सारी सर्विस जो है उसकी वेरिफिकेशन की स्टैम्प्स लगी हुई हो ताकि आपका पता चले कि यहाँ से यहाँ तक आपने थ्रू आउट सर्विस की है, ठीक है। फिर नंबर 11 है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ द और द अटेस्टिंग ऑफिसर अंडर हुम ही और शी वाज ओरिजिनली वर्किंग शुड रिकॉर्ड द सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ हिज हर सर्विस इन पार्ट 4। जब भी ट्रांसफर होती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की या फिर वो रिटायर होता है इवन तब भी जो गवर्नमेंट जब वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता है तो फिर वहाँ का जो हेड ऑफ ऑफिस है और द अटेस्टिंग ऑफिसर या फिर हेड ऑफ ऑफिस या फिर अटेस्टिंग ऑफिसर इन दोनों में से कोई भी जो जिसके अंडर भी वो मतलब काम कर रहा होगा तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ हिज सर्विस उसके देने होते हैं, ठीक है। मतलब आप एक महकमे से दूसरे महकमे में गए हो तो अब आपकी वहां पर ट्रांसफर हो गई है दूसरे महकमे में तो क्या होगा कि आपको जो मतलब ट्रांसफर के लिए आपको एक महकमे से दूसरे महकमे में आप ट्रांसफर हुए हो तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने इतनी सर्विस अपनी की है, तो
उसको वेरिफिकेशन सर्विस वेरिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको वही आपका हेड ऑफ ऑफिस या अटेस्टिंग ऑफिसर देगा जिसके अंडर आपने काम किया है। ठीक है, तो ये पार्ट फोर जो है, पार्ट फोर मैंने भी आपको बताया कि सर्विस बुक में एक पेज होता है, बाद सर्विस बुक्स में नहीं होता है, तो वो इन्हीं पेजेस पे सर्विस वेरिफिकेशन की स्टैम्प्स लगा देते हैं, लेकिन बास बुक्स में अलहदा से पेज दिया होता है जहाँ पर सर्विस बुक पे जिसपे सारी सर्विस की स्टैम्प्स लगनी चाहिए। फॉर द होल पीरियड ड्यूरिंग विच ही और शी रिमेन्ड एम्प्लॉय अंडर हिम आफ्टर दैट द सर्विस बुक शुड बी फॉरवर्डेड टू द ऑफिस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड। अब सारे पीरियड की मतलब ये लगेंगी और ईयर वाइज लगती है। ठीक है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर से लेकर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, फिर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, इस तरह से मतलब हर फाइनेंशियल ईयर की इसमें लगती जाती है और फिर जितना भी पीरियड होता है वो लगती है और फिर उसके बाद जहां पर भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा तो वहां पर सर्विस बुक को भेज दिया जाएगा। तो ये जो सर्विस वेरिफिकेशन की स्टैम्प्स हैं ये बताएंगी कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके जॉब है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 12 है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस द हेड ऑफ हिज ऑफिस और डिपार्टमेंट मस्ट सेंड हिज सर्विस बुक टू द ऑडिट ऑफिसर कंसर्न्ड। यानी अगर फॉरेन सर्विस में जा रहा है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो क्या करेंगे कि हेड ऑफ ऑफिस या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो उसकी सर्विस बुक वो कंसर्न्ड ऑडिट ऑफिसर को भेजेंगे। ठीक है, कंसर्न ऑडिट ऑफिसर को भेजेंगे, द ऑडिट ऑफिसर विल रिटर्न इट आफ्टर नोटिंग अंडर हिज सिग्नेचर। जो ऑडिट ऑफिसर है वो रिटर्न करेगा सर्विस बुक अपने सिग्नेचर्स के साथ। ठीक है, द ऑर्डर सैंक्शनिंग द ट्रांसफर, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर इन रिगार्ड टू लीव एडमिसिबल ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस एंड एनी अदर पर्टिकुलर विच ही मे कंसिडर टू बी नेसेसरी। अब जो ऑडिट ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा सर्विस बुक अपने सिग्नेचर के साथ और नोट डाउन करेगा जो ऑर्डर है जिन्होंने उसकी ट्रांसफर सेंक्शन की है उन ऑर्डर्स को नोट डाउन करेगा और मतलब उनका नंबर एंड डेट नोट डाउन करते हैं और फिर द इफेक्ट टू द ट्रांसफर रिगार्डिंग द लीव। अच्छा ठीक है, फिर उसको जितनी भी लीव वहां पर एडमिसिबल है वो भी वहां पर नोट डाउन होगी या कोई भी और पर्टिकुलर जो वो समझता है कि ये नेसेसरी है ये जरूरी है तो वो भी वो नोट डाउन करेगा और फिर उसको वहां से वो सर्विस बुक वापस भेज देगा। कौन वापस भेजेगा, ऑडिट ऑफिसर वापस भेजेगा। ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट सर्विस हिज सर्विस बुक must again be sent to the audit officer who then notes it over his signature. All the necessary particulars connected with the foreign service may be attested by any authority other than the audit officer. ठीक है, और जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्न बैक होगा मतलब फॉरन ऑफिस से फॉरन में वो ड्यूटी करके वापस आ गया है तो फिर क्या होगा, तो तब भी उसकी सर्विस बुक जो है वो ऑडिट ऑफिसर को भेजी जाएगी जो उसके पर्टिकुलर वो साइन अपने करेगा, उसके सारे नेसेसरी पर्टिकुलर जो है वो कनेक्टेड विद द फॉरेन सर्विस उसको अटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद कोई भी अथॉरिटी, ठीक है अथॉरिटी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि अथॉरिटी जो है वो उस ऑडिट ऑफिसर के जो भी उसने किया होगा उसको काउंटर साइन करेगी। मतलब इस सारे में जो रूल नंबर 12 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बाहर जाएगा, ठीक है फॉरेन सर्विस के लिए जाएगा किसी बाहर के मुल्क में जाएगा तो उसकी सर्विस बुक जो है वो ऑडिट ऑफिसर जो कंसर्न्ड है उसको भेजी जाएगी। अब ऑडिट ऑफिसर अपने सिग्नेचर्स के साथ उसके जो ऑर्डर्स हैं जिन्होंने उसकी सैंक्शन किया है उसको सैंक्शन किया है ट्रांसफर वो और फिर उसके बाद उसको जितनी भी लीव एडमिसिबल है ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस या कोई भी और पर्टिकुलर जो वो जरूरी समझता है कि यहाँ पर नोट डाउन करना जरूरी है वो नोट डाउन करेगा, नीचे अपने सिग्नेचर करेगा और अब सर्विस बुक वापस भेजेगा। फिर जब गवर्नमेंट सर्वेंट वापस आएगा अपनी फॉरेन सर्विस से वापस आएगा और तो फिर दोबारा से सर्विस बुक ऑडिट ऑफिसर को भेजी जाएगी, वो अपने सिग्नेचर करेगा, जो नेसेसरी पार्टिकुलर्स होंगे उसको उनको नोट डाउन करेगा और उनको अटेस्ट करेगा, ऑडिट ऑफिसर के अलावा कोई और अथॉरिटी उसको टेस्टिफाई भी करेगी, ठीक है अटेस्ट भी करेगी। फिर उसके बाद है रूल नंबर 13,
Detailed instructions for filling in the various parts of the service book are given at the beginning of each part. Detailed instructions जो है service book को fill करने के लिए वो हर part के beginning में दे दी गई है. फिर number 14 पे इन्होंने लिखा हुआ है, the entries regarding particulars of the government servant on page 4 of the service book should be renewed or readjusted at least after every 5 years and signature against items 11-12 should be dated. ठीक है, अभी इन्होंने ये सर्विस बुक इस तरह से दी नहीं हुई है, तो मुझे जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये जो पेज 1 जो मैंने आपको दिखाया है इसी को पेज 4 कह रहे हैं, और वहाँ पर ही ये सारी की सारी एंट्रीज जो है वो अटेस्ट होती हैं हर 5 years के बाद. ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी. ये बेशक ये थोड़े से लंबे हैं, लेंथी हैं सर्विस बुक के जो रूल्स हैं, लेकिन इसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी सर्विस बुक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको अपनी सर्विस बुक खुद भी मेंटेन करना आना चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि आपकी सर्विस बुक में अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो आप उसको पकड़ सकें और आप उसको दुरुस्त करवा सकें. ठीक है, सर्विस बुक के बारे में केयरफुल रहा करें, क्योंकि अगर इसमें एक गलती होती है, एक जगह अगर आपकी पे गलत, मतलब आपकी पे वेरीफाई हो जाती है या आपकी पे गलत बनती है, तो वो थ्रू आउट योर लाइफ आपकी पे गलत ही बनती चली जाती है. तो उसको जब भी आपकी पे कहीं पर भी चेंज हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पे किस तरह से फिक्स हो रही है, और उसको आपको सर्विस बुक से वेरीफाई करना चाहिए कि यहाँ पर हमारी पे ठीक तरह से फिक्स हो रही है. ठीक है, आपको अपनी सर्विस बुक खुद भी मेंटेन करना आना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी सर्विस बुक ठीक तरह मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी. तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.